प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर लेके आया हूँ एक नई वर्कशीट नंबर 26 के साथ, क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी। क्षितिज में हमारा पहला चैप्टर दो बैलों की कथा, और ऐसे चैप्टर के काफ़ी सारे वर्कशीट आप पहले पढ़ समझ चुके हैं। आज हम अंतिम वर्कशीट को समझेंगे। पूरी वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। और एक ज़रूरी सूचना आपके लिए, हमारे चैनल पर हिंदी क्षितिज कृतिका के कंप्लीट एक्सप्लेन वाली वीडियो मिलेंगी आपको, साथ में ग्रामर के सभी टॉपिक्स हैं, एमसीक्यू टाइप की आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, जिनसे कि आप अपनी तैयारी पूरी अच्छे से कर सकते हैं हिंदी में 100% मार्क्स के लिए। हमारे चैनल पे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप सारी वीडियोज देख सकते हैं। तो चलिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। आज की वर्कशीट में हम बढ़ते हैं दो बैलों की कथा। क्या कहते हैं हमारे प्रेमचंद जी? दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। जैसे ही दड़ियल के हाथ से छूटे, उन्हें अपना जाना पहचाना रास्ता नजर आया। दोनों बैल भागे और सीधा छोटे बछड़ों की तरह, जैसे बछड़े उछल कूद मचाते, वैसे ही उनमें जान आ गई और सीधा अपने घर की ओर। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। थान यानी कि जहाँ पर दोनों बैल खड़े रहते थे हमेशा, जहाँ पे दोनों बैल बंधे होते थे। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। भाई, दड़ियल ने भी खरीदा है ना इन्हें, तो दड़ियल भी उनके पीछे पीछे पहुँच गया झूरी के पास तक। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। धूप खाने का मतलब धूप सेक रहा था। बैलों को देखते दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा, उन्हें चूमने लगा, कभी इस बैल को, कभी हीरा को, कभी मोती को, मतलब प्यार करने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू गिरने लगे, इतना प्यार देखकर, इतना अपनापन देखकर। और लंबे टाइम के बाद झूरी का प्यार मिला इन्हें, तो दोनों बैलों के आंखों से आंसू आने लगे। कई बार हमारे साथ भी होता है ऐसी, जब हमारे साथ कोई हमदर्दी जताए, हमारे साथ कोई अपनापन दिखाए, हमें कोई इस तरह से प्यार करे, तो हमारी भी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं, जैसे दोनों बैलों के। एक झूरी का हाथ चाट रहा, दूसरा सर पे मुंह फेरे। इतने में दड़ियल भी जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ने लगा। दड़ियल भी आया, दोनों बैलों की रस्सियां पकड़ने लगा, तो झूरी ने कहा, भाई ये तो मेरे बैल हैं, है ना। झूरी के पास आ चुके हैं झूरी के बैल, तो झूरी ने कह दिया, भैया ये तो मेरे बैल हैं। तो आपस में तू तो मैं होने लगी, तुम्हारे बैल कैसे, मैं तो मवेशी खाने से नीलाम ले आता हूँ। तो दड़ियल ने कहा, भाई मैं तो इन्हें मवेशी खाने से लाया हूँ, तुम्हारे बैल कहाँ, मैंने तो खरीदे हैं, पैसे भी दिए हैं, मैं तो समझा चुराए लाते हो। तो झूरी ने भी थोड़ा सा हंसी मजाक करने लगा कि मुझे लगा तुम चोरी करके लाए हो, है ना, भाई बैल तो मेरे हैं ना, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। झूरी ने भी कह दिया, भाई जब तक मैं अपने बैल नहीं बेचूंगा, मेरे बैलों को बेचने का अधिकार किसी को नहीं है। झूरी को ये नहीं पता था कि ऑलरेडी मवेशी खाने से ये नीलाम होके आए हैं, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है, क्या अधिकार है, कोई अधिकार नहीं है, जाकर थाने पे रपट कर दूंगा। तो यहाँ पर झूरी ने भी धमकी दी कि मैं तुम्हारा यहाँ पर कंप्लेन कर दूंगा पुलिस में। तो इस तरह से उसने कहा कि भाई मेरे बैल हैं, इसका सबूत है मेरे पास कि दोनों मेरे घर पर खड़े, अपने अपने थान पर खड़े हैं, इसलिए मेरे बैल हैं। भाई कोई भी अनजान बैल किसी के घर पे इस तरह से खड़ा नहीं हो सकता। तो ये लॉजिक दिया झूरी ने दोनों बैलों को। इस तरह से दड़ियल में और झूरी में दोनों में तू तू मैं हुई, और अंत में जो दड़ियल है वो हार गया। मोती दड़ियल का पीछा करते हुए उसे दूर तक भगा देता है और वापस आ जाता है। इतने में झूरी की जो पत्नी है वो भी आती है दौड़े दौड़े, और दोनों बैलों के माथे चूम लेती है। उसे भी लगता है कि हमारे बैल हैं, इतने लंबे टाइम बाद गुम गए थे, खो गए थे, और आज में मिल गए हैं, तो उसे भी बहुत अच्छा लगा। और वही सूख हरा सब कुछ चारा बैलों को उसने डाल दिया। पिछली बार जब बैल भाग के आए थे तो झूरी की पत्नी ने उन्हें सूखा दिया और बड़ा नमक हराम वगैरह कहा, लेकिन इस बार
जब बैल आए हैं तो उन्हें चूम रही है, उन्हें गले लगा रही है, साथ में उन्हें हरा चारा भी मिल रहा है। तो ये होता है आपके दो बैलों की कथा। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन है उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए पहला सवाल जो है वो आपका एमसीक्यू है, उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति होकर कौन कुलेले कर रहे थे? तो हीरा और मोती कर रहे थे जूरी गया या जूरी और उसकी पत्नी? तो सिंपल सा है इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और इसके जो आगे की सवाल हैं वो आपके थोड़ा सा लॉन्ग टाइप के हैं, तो चलिए इनके सवाल देखते आंसर देखते हैं। तो चलिए दूसरा सवाल है, बैलों को देखते ही झूरी ने क्या प्रतिक्रिया दिखाई, क्या रिस्पॉन्स दिया झूरी ने? हीरा और मोती दोनों बैलों को अपने स्थान पर यानी कि अपने घर पर देखते ही झूरी दौड़ कर जाता है, दोनों बैलों को बारी बारी से गले लगाता है और चूमने लग जाता है। तो ये रिस्पॉन्स है झूरी का दोनों बैलों को देख करके। तीसरा सवाल है, बैल मेरे हैं मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, ये किसने कहा और किससे कहा? सिंपल सा है, भाई बैल मेरे हैं तो मैं बेचूंगा, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, यह कथन झूरी का है और दड़ियल के लिए, झूरी ने कहा दड़ियल से। ठीक है, किसने कहा किससे? झूरी ने कहा दड़ियल से। अगला सवाल है, झूरी ने दोनों झूरी ने बैल उसके हैं या क्या कहकर साबित किया? भाई झूरी के बैल हैं, कैसे प्रूव किया झूरी ने? कुछ कहा था तो झूरी ने कहा कि दोनों बैल मेरे द्वार पर खड़े हैं, देखो इसलिए मेरे बैल हैं, इससे यह साबित होता है कि दोनों बैल मेरे हैं। ठीक है, चलिए पांचवा सवाल है आपके लिए, ये एक एक्टिविटी है, गतिविधि है। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू गिरने लगे, दोनों मित्र यानी कि हीरा और मोती के आंखों से आंसू गिरने लगे कब? जब झूरी ने दोनों बैलों को गले लगाया और उन्हें चूमने लगा। तो जब इतना प्यार मिलता है, इतना अपनापन मिलता है, तो आंखों से ऑटोमेटिकली आंसू बहने लग जाते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ? सभी के साथ ऐसा होता है। आपने क्या करना है, इसे अपने शब्दों में वर्णन करना है यानी कि एक्सप्लेन करना है। तो छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि ये आपका एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आपको ये आंसर बताऊँगा, तो आपका एक्सपीरियंस में काम नहीं आएगा। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। जीवन में ऐसा पल हर किसी के साथ कभी ना कभी ज़रूर आता है जब उसके साथ कुछ ऐसा होता है। एक बार की बात है, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था और कॉलेज में पढ़ते टाइम खर्चा लिमिटेड मिलता है, चलते चलते जो पैसे होते वो खर्च हो गए, तो किराया देना था वरना मकान मालिक सारे बर्तन बाहर कर देता। अब ऐसे में हमारे जो दोस्त हैं वो आते हैं, मिलते हैं और प्रॉब्लम को समझते हैं, तो सारे जो है ना दोस्त सभी अपने अपने खर्चे से पैसे और वो मुझे दे करके कहते हैं ये किराया दे दे। तो मतलब ये दोस्तों का इस तरह से अपनापन देख करके आंखों में आंसू आना तो नेचुरल था। जो दोस्त अब आपस में लड़ते हैं वो दोस्त जब इस तरह से सपोर्ट करते हैं तो अच्छा लगता है। इसी तरह से कई बार सपोर्ट मम्मी करती है, कई बार पापा करते हैं, कई बार हमारे दोस्त करते हैं, तो कई बार हमें टीचर भी सपोर्ट करते हैं। तो इस सवाल का आंसर आप अपने आप लिखोगे, अपना एक्सपीरियंस। ठीक है, अब लास्ट सवाल है, मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ, यह किसने कहा? झूरी ने, गया ने, दड़ियल ने या गांव वालों ने? तो सिंपल सा है इसका आंसर आपका, दड़ियल ने कहा। ठीक है, कि यह मैं मवेशी खाने से इन्हें खरीद के लाता हूँ। तो यह है आज की वर्कशीट, कैसी लगी आपको और इस पूरे चैप्टर से, दो बैलों की कथा से आपने क्या सीखा, क्या सीखा आपने, क्या मैसेज आपने लिया, संदेश मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।